बस्तर से खबर है जहां पर नक्सली आधुनिक हथियारों के साथ अपने लड़ाकों को गुरिल्ला वार के लिए ट्रेनिंग देने में जुटे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार नक्सली विरोधी अभियान भी चला रही है। नक्सली कैंप में छापामारी कार्रवाई के दौरान पुलिस को नक्सलियों की 40 पन्नों की डायरी मिली है, जिसमें स्नाइपर गन के इस्तेमाल का जिक्र लिखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। नक्सली विरोधी अभियानों में जाने वाले पुलिस जवानों को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लड़ाकों को स्नाइपर की ट्रेनिंग दे रहे हैं नक्सली, अलर्ट है हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों को। हालांकि यहां पर 40 पन्नों का दस्तावेज मिला है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे नक्सली भी समय समय पर अपना रणनीति में बदलाव करते हैं, विगत वर्षों में उनके काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, उसको देखते हुए अभी कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो रहा है, वो अपना कार्य योजना में कुछ बदलाव करेंगे करके, विशेष तौर पर स्नाइपर राइफल वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे करके। इसी को लेकर हम अपना सुरक्षा बल को सबको सतर्क करके रखा है, यदि इस टाइप की परिस्थिति सामने आएगी उसका मुकाबला करेगा। विगत वर्षों में नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस को, विशेष तौर पर बस्तर पुलिस को काफ़ी अच्छा बढ़त प्राप्त हुआ है, इसको आगे ले जाते हुए हम लोग एक त्रिवेणी कार्ययोजना के तहत कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेलाबड़ा ब्लास्ट में शामिल नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान में लगातार यहां पर नक्सली क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मुखबिर की सूचना पर CRPF 195 बटालियन के जवानों को जंगलों में सर्चिंग पर भेजा गया, जहां से कई बड़ी घटनाओं में शामिल लखमा सोढ़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर कई थानों में नक्सल अपराधी का मामले दर्ज थे और कई सालों से पुलिस इस मामले की तलाश कर रही थी और गिरफ्तार नक्सली को पुलिस यहां पर मुख्यालय दंतेवाड़ा लाया गया है। गरियाबंद में अवैध धान की जब्ती के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ओडिशा से लगातार देवभोग गरियाबंद के रास्ते अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में धान समर्थन मूल्य पर बेची जा रही थी। इसी के मद्देनजर प्रशासन खुद सीमा पर पहुंचा और 3700 कट्टा धान जब्त किए। इस कार्रवाई के बाद से देवभोग क्षेत्र के व्यवसायियों में हड़कंप है। ओडिशा सीमा से लगे गांव में बिचौलियों के ठिकानों पर कलेक्टर श्याम धावड़े, SP MR अहिरे ने दबिश दी। अब तक यहाँ पर 3500 पैकेट धान जब्त किए गए हैं। ग्राम ढोलरा में 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई, निरीक्षण किया गया। वहां पर तो एक व्यक्ति के घर में कुल 26-31 बोरा धान और दूसरे व्यक्ति के घर में 1880 बोरा धान और एक के घर में करीब 87 बोरा धान मिला हुआ है। इसका एक्चुअली जो भूमि स्वामी हैं उनके निजी स्वामित्व जो ज़मीन है उसका रकबा हमने लिया, पटवारी से प्रतिवेदन लिया, उसके अनुसार जो उनके यहाँ धान प्राप्त हुआ है वह काफ़ी ज़्यादा है, जो कि संदेह को पैदा करता है। ये जानकारी के आधार पर शासन की मंशा अनुसार आज कलेक्टर साहब के साथ एक संयुक्त रूप से पूरा पुलिस और प्रशासन की टीम क्षेत्र में घूमी और ये रोकने के लिए हमने एक तरीका अलग से, जिस ढंग से उनका स्ट्रेटजी है हम भी अपने स्ट्रेटजी अलग से बनाए हैं। हमारी टीम अलग अलग क्षेत्र में, थाना की टीम अलग अलग टीम बना के बाइक में और उस ऐसे छोटे छोटे रास्ते पे जहाँ से धान बाहर क्षेत्र के उड़ीसा पे आ सकता है उन जगहों पे हमारी कार्रवाई लगातार जारी है।